Hello guys and welcome back to my channel. This is Fly On Biker from Amchi Mumbai and I'm back with my new video. So guys, this is 2nd of October 2020 and we are very close to end this year. Also we are very close to 500 YouTube family. सो गाइस, जितने भी लोग देख रहे हैं आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर बाइकर फ्रेंड्स जिनको मोटो व्लॉगिंग या फिर बाइक रिलेटेड वीडियोस बहुत अच्छी लगती है. सो उनको प्लीज़ प्लीज़ शेयर करो. क्या जल रहा है भाई इतना? गाड़ी सिगरेट फूंक रही है. गाड़ी धुआं फेंक रही है बहुत. अच्छा दिस इज समथिंग अनयूजुअल. कुछ सुनाई दे रहा है गाइस? फ्रंट ब्रेक मार रहा हूं तो कर कुछ तो आवाज आ रही है. कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है मेरी गाड़ी को. कुछ तो हुआ है. What happened, baby? What happened to you? Oh, बहुत गर्म है यार. कुछ तो हुआ है इसको. समझ में नहीं आ रहा है. रबर पैड्स. मुझे लगता है आगे के रबर पैड्स ब्रेकिंग पैड्स जो है वो चले गए. खत्म गया. सो गाइस, जो मेरे फ्रंट व्हील का जो डिस्क ब्रेक है उसका रबर पैड जो है वो शायद से पूरा ख़त्म हो चुका है एंड जिसकी वजह से मैं अभी जब ब्रेक मार रहा हूँ तो वाइब्रेशन आ रहा है हैंडल में. और मुझे आज सुबह में फील भी हो रहा था कि ब्रेक्स थोड़े कम लग रहे हैं, बट देन अभी अभी ऐसा मैंने नोटिस किया कि मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो डायरेक्टली व्हील ऐसा वाइब्रेट हो रहा है. तो मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम अभी फ्रंट ब्रेक लगाऊँ. इनफैक्ट लगाऊ ही नहीं. सो गाइस, देखते हैं. हम हमारे मैकेनिक के पास जाते हैं. सो गाइस, मोस्ट इफेक्टिव ब्रेकिंग इज योर फ्रंट व्हील ब्रेकिंग. एंड अगर आपका फ्रंट व्हील ब्रेक जो है जैसा अभी मेरे ये केस में काम नहीं कर रहा है. एक्चुअली काम कर रहा है बट उसका जो रबर पैड है आई थिंक वो गया है. सो मैं नहीं चाहता उसको ब्रेक मार के उसका जो डिस्क का थिकनेस है वो कम कर दूँ. सो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये हाईवे पे हूँ, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, एंड आई एम नॉट यूजिंग माई फ्रंट ब्रेक्स एंड आई एम कंट्रोलिंग एंड स्टॉपिंग माई बाइक आराम से. कैसे कर रहा हूँ मैं? सो वन टेक्निक इज यू हैव टू कीप मेंटेनिंग योर स्पीड बाय 50 एंड डिस्टेंस बिटवीन योर बाइक एंड सामने वाली बाइक शुड बी इतना, एटलीस्ट अ 50 meter डिस्टेंस आई वुड से. 50 और मोर देन 50 meters वुड बी अ गुड
अगर आपका फ्रंट ब्रेक काम नहीं कर रहा और आप सिर्फ रेयर ब्रेक से काम चला रहे हो एंड सिर्फ रेयर ब्रेक मार रहे हो, क्या कर रहा है भाई? एंड इफ अगर ये चीज होता है कि ऐसा सपोज ये सामने भी ये गाड़ी आ गया है, तो ये टाइम पे क्या करना है? सो ये टाइम पे यू हैव टू अप्लाई इंजन ब्रेकिंग. व्हाट इज इंजन ब्रेकिंग? बेसिकली अभी मैं चल रहा हूँ समझो थर्ड या फोर्थ गियर पे, और सपोज ऐसा कोई सामने से आ जाता है, क्या हो गया बे, उड़ के जाएगा क्या? सो अगर सपोज कोई सामने आ जाता है तो मैं इंजन ब्रेकिंग कैसे करूँगा कि आई विल शिफ्ट वन गियर डाउन एंड एक्सेलेटर छोड़ दूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा स्पीड कम हो गया. मैंने रेयर ब्रेक भी नहीं लगाया और मेरा फ्रंट ब्रेक भी नहीं लगाया, मेरा स्पीड कंट्रोल में आ गया. एंड ये जो ब्रेकिंग है इंजन ब्रेकिंग, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद ही करना. एकदम से जाके 100 के स्पीड पे जा रहे हो एंड डायरेक्ट डाउनशिफ्ट कर रहे हो एक दो गियर, तो उसमें तुम्हारा बाइक सीरियसली हैंडल नहीं होगा. इट इज इफेक्टिव व्हेन यू आर राइडिंग एट 50 किलोमीटर पर. अभी जैसा मैंने कंट्रोल किया, आवाज आ रहा है, ब्रेक मार रहा हूं ना, अगर ऐसा हिल रही है डिस्पैड पैड हुआ ना, कैसे करेंगे? अभी तो बंद है. कब चालू होगा? सो गाइस आई हैव रीच्ड सेफली टू कांदिवली एंड यू कैन सी मैंने जो नया डिस्क पैड है वो लगा दिया है. सो गाइस नया डिस्क पैड लग चुका है एंड नाउ वी आर गुड टू गो. सो डिस्क पैड का जो खर्चा हुआ है दैट इज 250 रुपीज फॉर डिस्क पैड, 250 रुपीज फॉर डिस्क पैड एंड 50 रुपीज वो बंदे का लगाने का लेबर चार्जेस. सो 300 रुपीज में वी आर गुड टू गो विद आवर बाइक एंड आवर ब्यूटी इज रेडी. सो गाइज दैट इज फॉर द वीडियो. दिस इज फ्लावन बाइक साइनिंग ऑफ फ्रॉम आमची मुंबई. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज.